बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आहा दोस्तों, क्या डायलॉग था ये। इस डायलॉग का तो एक अलग फैन बेस है। दोस्तों क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस डायलॉग की गूंज आपको फिर से बड़े पर्दे पर सुनाई देने वाली है। विश्वास नहीं होता ना दोस्तों। इस बारे में और जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये डायलॉग आपको गली गली में बच्चे बोलते हुए नजर आएंगे। क्या करें दोस्तों, अब इस फिल्म का नशा ही कुछ ऐसा था। मैं बात कर रही हूँ वांटेड इस फिल्म के बारे में। दोस्तों चोर और पुलिस की पकड़म पकड़ाई हमने बहुत बार देखी है, लेकिन इस पिक्चर में चोरों को पकड़ने के लिए एक पुलिस ऑफिसर खुद ही चोर बन गया था। और क्या होशियारी दिखाई थी उन्होंने इसमें दोस्तों। लेकिन ये सस्पेंस एकदम आखिर में खुलता है। तब तक सलमान खान ने अपनी बैड बॉय इमेज काफी सही से बचा के रखी थी। इस फिल्म का अनोखा अंदाज और डीप स्टोरी लाइन ने सभी के होश उड़ा दिए थे। पुलिस की वर्दी पहनकर तो कोई भी चोर को पकड़ सकता है, पर एक पुलिस वाला होकर अंडर कवर ऑफिसर बनकर चोरों को पकड़वाने में जो मजा है वो कुछ और ही अलग है। आपको बता दूं ये फिल्म डायरेक्ट की थी प्रभु देवा ने, और इसी वजह से इसके गाने और स्पेशल इसके डांस मूव्स एक अलग फैन बेस लेकर चलते हैं। सलमान भाई की अब इस पिक्चर के सीक्वल में फिर से वापसी होने वाली है। दोस्तों वांटेड में हीरोइन आयशा टाकिया को लिया गया था, लेकिन वांटेड 2 में किसे लिया जाएगा ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन ये एक बिग बजट फिल्म होने वाली है और इसे प्रभु देवा ही डायरेक्ट करने वाले हैं। अब दोस्तों प्रभु देवा है तो लटके झटके तो होंगे ही। वैसे प्रभु देवा और सलमान खान ने एक पिक्चर की थी जिसका नाम था दबंग 3, लेकिन उसके पहले दो सीक्वल्स के कंपैरिजन में ये फिल्म ज्यादा नहीं चल पाई थी। और आशा करते हैं कि ये किस्सा वांटेड 2 के साथ रिपीट ना हो। वैसे देखा जाए तो उसके पहले पार्ट में फैंस की क्रेज देखते हुए ये पार्ट भी सुपर हिट होने वाला है। सलमान खान की राधे ये फिल्म हाल ही में रिलीज हुई थी और इसे लोगों ने फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन वांटेड 2 ये फिल्म अगर सही तरीके से बनाई जाए तो ये शायद इनका खोया हुआ स्टारडम फिर से ला पाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ।